हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मछली सालन वाली। जो हमारे दादी नानी का तरीका था, आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ये मछली बनाने में भी बहुत आसान है, सिंपल सी मसालों से बन जाती है ये। तो चलो देख लेते हैं हम कैसे बनाए हैं ये वाली मछली। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी गैस की तरफ। इस मच्छी में हमें ना कोई आटा लगाना है, ना चावल का आटा लगाना है, ना कोई भी आटा लगाना है, हमें ऐसी ही फ्राई करना है। तो चलो देख लेते हैं कैसे मैं फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन। अब हम इसको गैस पर रख देते हैं, अपने गैस को ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने अपने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, हमारा फ्राई पैन भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। ये हमारा ऑयल 3 से 4 चम्मच है, छोटे वाले चम्मच से। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मच्छी। तो मैंने मच्छी को डाल दिया है, ऐसे हमको फ्राई करना है। अब नीचे की तरफ गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। इसको हम ढक देते हैं, नहीं तो तेल का छींटा बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़ेगा। अब हमारी मच्छी नीचे की तरफ गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे। अब इस तरफ भी हमें गोल्डन कर लेना है। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ मच्छी फ्राई हो चुकी, गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे सारी मच्छी को हमें फ्राई कर लेना है। इस तरह से तो मैंने सारे मच्छी को फ्राई कर लिया है। इस तरह से इसमें ना कोई भी आटा नहीं लगा हुआ है, सिंपल सी फ्राई किया है मैंने। अब हम इसको करते हैं साइड। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ कुछ मसाले, जो मैंने 2 चम्मच धनिया है अखा वाला, और एक छोटे साइज़ के प्याज जो मैंने रफली काट लिया है, और 2 इंच का टुकड़ा है ये, और 3 से 4 लाल मिर्च है, और ये थोड़े से लहसुन है। इस तरह से मैंने 2 लहसुन लिया था, उसको छील लिया है। तो ये लहसुन मैंने लिया है, और 1 चम्मच जीरा है। हमारे पास काली मिर्च खड़ा वाला नहीं था तो मैंने कुटे हुए काली मिर्च ले लिया है 1/2 चम्मच। अब इन सब मसालों को हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। तो मैंने मसालों को पीस लिया इस तरह से, इतनी बारीक हमें पीसना है। इन मसालों को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने मसालों को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच। अब इन मसालों को करते हैं हम साइड और चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब मैं अपने कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ गैस पर। अब इस कढ़ाई को हमें गरम होने देना है। तो हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। यह अब ये तेल को हमें गरम होने देना है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम बघारने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना ले रहे हैं, इससे हम बघारेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये वाले मसाले। हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। अब इन मसालों को हमें भून लेना है जब तक तेल ना छोड़ दे। हम इसमें डाल देते हैं आम की खटाई।
तो हमारा मसाला भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी। एक से 1.5 गिलास पानी लगा है इसमें। हम अपने ग्रेवी को इतने ही पतला रखेंगे। अब उसके बाद जाएगा इसमें मच्छी। तो मैंने मच्छी को डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो मैंने धनिया की पत्ती को डाल दिया है। अब हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, इसे खुले खुले हुए ढक्कन नहीं लगाएंगे इसका। तो हमारी मच्छी को 5 मिनट हो चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब मैं मच्छी को डिश आउट करती हूँ। तो मैंने मच्छी को डिश आउट कर लिया है। ये हमारी मच्छी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो हमारी ये मछली की रेसिपी कैसी लगी है? अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना